डबरा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया शिक्षक दिवस, जिसमें सभी अध्यापक एवं उप प्रधानाचार्य उपस्थित रहे व उन्होंने बच्चों को डॉक्टर श्री राधाकृष्ण सर्पल्ली के जन्म दिवस पर उनको याद किया व उनके विषय में बच्चों को अवगत कराया। बच्चों को बताया गया कि डॉक्टर राधाकृष्ण सर्पल्ली का जन्म दिवस स्थल तमिलनाडु है एवं उनको बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था। इस अवसर पर केक कटवाकर श्री राधाकृष्ण सर्पल्ली का जन्मोत्सव मनाया गया। इसके बाद बच्चों ने सभी शिक्षकों को सम्मानित किया। डबरा से SRB पर निशांत साहू की रिपोर्ट। SRB बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली खबरों की सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। उसके बाद कल हमने एक छोटा सा ड्राइंग कंपटीशन अटेंड करा था। कंपटीशन नहीं था पर एक मोमेंट क्लास में आते आते वो कंपटीशन टाइप का हो गया कन्वर्ट। उसमें कुछ आज भी क्रिएटिव वर्कशॉप चल रही है। न्यूज़पेपर से बच्चे कुछ कुछ क्राफ्ट की चीज़ें बना रहे हैं। हमारा अभी उनका काम चल रहा है। कुछ बच्चों ने आधा या समथिंग कम्प्लीट कर लिया है, कुछ का अभी चल रहा है काम। तो कल जैसा कि मैंने और मेरे एक स्टूडेंट ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला था कि सबसे अच्छी ड्राइंग के लिए मैं प्राइज देने वाली थी, तो सबसे अच्छे उद्बोधन के लिए ये प्राइज देने वाला था। तो मेरा प्राइज इस ड्राइंग के लिए रोहित साहब को जाता है। हमारे देश में काफी समृद्ध परंपरा रही है और आदि काल से हम लोग सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से जो है बहुत सारे दिवस हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। त्योहार के दिवस आप जो कहें हम सांस्कृतिक रूप से बोले तो गुरु पूर्णिमा होगा और सभी देश में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वह हमारा सांस्कृतिक रूप से गुरु को वंदन करने का, गुरु को धन्यवाद ज्ञापन करने का एक दिवस होता है जिसको पूरा देश हमारी पूरी संस्कृति मनाती है। आजादी के बाद जैसा कि पूरे विश्व में चलन है कि हमने कोई ना कोई दिवस जो है उसी के लिए आवंटित कर दिया है, तो देश में भी ये मांग हुई शिक्षक दिवस जो है वो चाहिए। फिर भी हमारे जो पॉलिसी मेकर है, जो लॉ मेकर है, उन्होंने जो है सारा पूर्ण विचार करके ये तय किया कि हमारे एक महान व्यक्ति जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और उसके बाद देश के राष्ट्रपति बने, उनके सम्मान में हमको 8 सितंबर को शिक्षक दिवस तभी से आजादी के बाद तय हुआ और हम लोग पूरा विधिवत हर साल 8 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक और शिष्य के बीच में परंपरा रही है हमारे पुराने समय से। आप देखेंगे गुरु शिष्य परंपरा का बहुत बड़ा इतिहास है। गुरु को ही हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, यहां तक की बोल रहा है हमारी संस्कृति में कि गुरु जो है वो ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु जो हमारा ईश्वर से परिचय कराता है। किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन उत्सव या जो भी अपन मनाते हैं उस व्यक्ति ने क्या काम किए हैं वो जब तक हम स्वयं अध्ययन नहीं करेंगे हमको नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश संस्कृति में, इन्होंने जो है काफी ग्रंथ लिखे हैं हिंदू हिंदुत्व को लेके, एक बड़ी
क्या है, धर्म जो है हिंदू धर्म वास्तव में क्या है, तो क्या परंपरा है। तो यदि आप डॉक्टर राधाकृष्णन की रचना पढ़ेंगे, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, यदि आपको हिंदू धर्म को समझना है, ऑथेंटिकली समझना है, तो हमें डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा लिखी हुई का अध्ययन करना चाहिए। उससे हमें अपने धर्म संस्कृति और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। उनके बताए हुए मार्ग पर चले सभी शिक्षक और जिस एक स्वस्थ परंपरा जो चली आ रही है उसका सत्य पालन करें। शिक्षक सभी संस्था के आपकी मदद के लिए, हर संभव मदद के लिए, चाहे वो शैक्षणिक हो, कल्चरल हो, आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हों, उसके लिए उपलब्ध हैं। आप शिक्षकों को सम्मान दें, आपको भी उतना सम्मान, उतना प्यार, उतना लाड़ मिलेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि ये स्वस्थ परंपरा जो है शिक्षक और गुरु के बीच और शिष्य के बीच संबंध है, आत्मिक संबंध, धार्मिक संबंध, व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध बने रहे और ये देश इसी तरह जो है एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे आ पाए। तदुपरांत मैं सीएस ब्रांच की फाइनल ईयर और इलेक्ट्रिकल की फाइनल ईयर से अनुरोध करूंगा कि वो लोग आए और प्रिंसिपल सबको वहां भेंट करें।